मैं बताऊंगा कि आप अपने वोल्टास वाले एयर कंडीशन, ये वाला जो सामने लगा हुआ है इस टाइप का, जिसके साथ ये यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल आता है, ये वोल्टास के लगभग हर मॉडल में काम करता है, जैसा कि आप इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा तो ये वाला दोस्तों यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है जो वोल्टास कंपनी की तरफ से आता है, ये सभी वोल्टास के मॉडल में काम करता है और यही फंक्शन सारे के सारे वोल्टास मॉडल में आप यूज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जो टाइमर वाला बटन आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट में इस पर थोड़ा सा फोकस कर लूँ, ये टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का जो बटन है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे अपने एयर कंडीशन में टाइमर सेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख लेते हो, मेरे बहुत सारे ऐसी वीडियोज है जिसमें काफी अच्छे व्यूज आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं गेन कर रहा हूँ, तो ऐसा क्या है यार, क्या कमी रह गई है, क्या गलतियां हो रही है, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करिए यार, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आप लोग का एक एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पे लेके आते हैं और लेके चलते हैं आपको आज के वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, एक टाइमर ऑन का है ये वाला और एक टाइमर ऑफ का है। तो बाकी वैसे मैंने पूरा फुल फीचर फंक्शन जो है रिमोट का वो मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है, तो आप उसमें जाकर पूरा देख सकते हो, लेकिन इसमें मैं ऑन ऑफ का ही सिर्फ बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं टाइमर ऑन का लगा देता हूँ। टाइमर ऑन, जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट फिर एक सेकंड मैं थोड़ा सा फोकस कर ले भाई। ये देखिए दोस्तों टाइमर ऑन का है। टाइमर ऑन का मतलब है कि आपका एयर कंडीशन इस तरह से चालू है, मतलब अगर सॉकेट में आपका स्विच ऑन है और सॉकेट में लगा हुआ है तार इसका, और ये अगर ऑन है वहां पे, अगर पावर वाला बटन जो है, जैसे यहाँ पे जो बटन इंडिकेट हो रहा है, लाइट अप हुआ है, वो वाला बटन अगर जल रहा है, तो उस समय अगर आप चाहते हो कि आपका एयर कंडीशन 1, 2, 3, 4 या फिर 12 या 24 घंटे बाद ऑन हो, तो उस कंडीशन में आपको कैसे इसको टाइमर ऑन करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको जो ऑन वाला बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेक श्योर कीजिए कि आपका रिमोट जो है वो ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये पावर ऑफ होना चाहिए। जैसे ये रिमोट होता है ना दोस्तों, ये ऑन होगा तो इस तरह दिखेगा, तो ये पावर ऑफ होना चाहिए, और पावर ऑफ के कंडीशन में आपको ये टाइमर ऑन वाले बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं टाइमर ऑन वाले बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, एक मिनट, ये मैंने टाइमर ऑन वाले बटन को प्रेस कर दिया, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, मैं डिस्प्ले पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ, यहाँ पे 1H लिख के आ गया 1R का। तो मतलब क्या है कि आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे फिर आपको प्लस वाले बटन को दबाकर, एक मिनट ये हट गया है, तो मैं टाइमर ऑन को प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ पे 1H दिख जा रहा है, तो मैं प्लस वाले बटन को दबाऊंगा, 2, 3, 4, 5 जितने भी आवर आपको चाहिए उतने आवर आपको दबाने के बाद, और फिर नीचे आपको एक सेट का बटन दिखेगा, ये वाले बटन को आपको दबा देना है। तो मैंने जैसे ही वाले बटन को दबा दिया, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों डिस्प्ले में, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ उसको, ये देखिए ये डिस्प्ले में आपको 9 आवर का टाइमर और एक टाइमर का आइकन भी पावर वाले आइकन के बगल में बन के आ गया, यानी 9 घंटे के बाद ये टाइम एयर कंडीशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितने भी घंटे चाहते हैं कम या ज्यादा लगा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हम टाइमर, अब इसको अगर आपको हटाना है दोस्तों, और अगर फ्रेंड अगर आपको ये वाला टाइमर हटाना है, एक मिनट में एक्चुअली मेरे यहाँ पे विंडो का थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये वाला टाइमर अगर आपको हटाना है तो सिर्फ आपको टाइमर ऑन वाले बटन को प्रेस करना होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे आप इसे कम कर दीजिए एक मिनट, और यहाँ पे आप टाइमर ऑन वाले बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, तो ये टाइमर ऑन वाला तो अब फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि टाइमर ऑन वाले को कैसे सेट करना है। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो इसमें आता है वो है टाइमर ऑफ का, तो टाइमर ऑफ वाले ऑप्शन को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बगल में दे रखा है यहाँ पे बटन, टाइमर ऑफ का बटन, तो इसके लिए दोस्तों आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका एयर कंडीशन ऑन हो, और साथ ही साथ आपका जब आप एयर कंडीशन ऑन करते हो तो उस दौरान आपका रिमोट भी ऑन हो जाता है। तो उस समय फ्रेंड आपको ये टाइमर ऑफ वाले बटन को प्रेस करना है, और जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 आवर का टाइमर ऑफ का आइकन बन के आ गया। आप इसे दोबारा प्रेस करो तो ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपको ऑन करना है तो दोबारा टाइमर ऑन वाले को प्रेस कीजिए, और यहाँ से आपको प्लस 2 आवर 3 आवर 4 आवर जितने भी घंटे बाद आप चाहते हो कि आपका एयर कंडीशन अभी चलने जैसे रन कर रहा है इस समय ऑन है, तो आप जितने भी घंटे बाद चाहते हो कि आपका एयर कंडीशन ऑफ हो जाए, तो उतने घंटे बाद आपका ये वाला एयर कंडीशन जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइमर ऑफ वाले बटन को प्रेस कर दिया, ये देखिए टाइमर ऑफ वाले बटन को प्रेस कर दिया, यहाँ पे घंटा बन के आ गया, और ये 1 मिनट, और मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा, तो मान लीजिए मुझे 2 घंटे बाद मुझे अपना एयर कंडीशन ऑफ चाहिए, तो मैं 2 घंटे पे करके और नीचे जो यहाँ पे सेट वाला बटन दिया है दोस्तों, इस सेट वाले बटन को दबा दूंगा, तो वहां पे देखिए दोस्तों आपको डिस्प्ले में 2 आवर दिखने लगा है, यानी अब मेरा एयर कंडीशन जो है वो 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक, इस समय से 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कूलिंग वाले आइकन के जस्ट बगल में आपको एक टाइमर का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस टाइप के वीडियो देखे आते रहते हैं। एयर कंडीशन से रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियोज मैंने बना रखे हैं, और अदर चीजों से रिलेटेड भी वीडियो बना रहा हूँ, और बाकी सारे होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियोज बनाता रहूंगा लगातार। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सपोर्ट दिखाइए यार, और क्या कहना है, और कोई भी अगर सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा, या फिर कोई भी कमी लग रही है तो उसे सुधारने की कोशिश भी करूंगा। तो बस मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।